हेलो एवरी वन हाउ आर यू आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर प्लेस स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है आज देखो जरा ध्यान से यस ग्लास ऑफ वाटर ठीक है ग्लास है और उसमें वाटर है ठीक है बेटे वाटर का कलर कैसा है ठीक no है और इसका टेस्ट कैसा होता है नो टेस्ट ठीक है लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बहुत ही इसेंशियल थिंग है ठीक है आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बहुत डिटेल में वाटर से रिलेटेड ही हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर टेन वाटर ठीक है तो बेटे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले देख लीजिए क्या है चैप्टर के Understand the various factors that affect the rate of evaporation. Understand the various methods used to make water safe for drinking. Comprehend the importance of water and its conservation. Water is a wonderful liquid. I have told you water liquid wonderful liquid है. and it is essential for life. अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद दॉटर धरती का बेटे सेवेंटी परसेंट जो जगह है एरिया है वो पानी से भरा हुआ है वॉटर इज प्रेजेंट इन रिवर्स पानी कहाँ कहां होता है रिवर्स में लेक्स में सी ओशन एंड अंडर द ग्राउंड वॉटर इज प्रेजेंट इवन इन साइड अवर बॉडी हमारी बॉडी के अंदर भी पानी जो है वो भरा होता है ऑल लिविंग थिंग्स नीड वॉटर टू स्टे लाइफ सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स है बेटे, उन पानी की जरूरत है जीवित रहने के लिए पहले बेटे ई वेपोरेशन देख लीजिए कि ई वेपोरेशन क्या होता है वट है वॉटर इन द वेट क्लोथ वेन दे आर हंग अप टू द ड्राई जब आप गीले कपड़ों को बाहर हंग अप करते हो Uh, किसी भी वायर के ऊपर है ना फैलाते हो तो क्या होता है उनका द वॉटर इन द वेट क्लोथ चेंजेस इन टू वॉटर जो गीले कपड़े होते हैं उनमें से जो पानी होता है बेटे वो वॉटर वेपर में चेंज होता है दिस वॉटर वेपर मिक्स द और वो वॉटर वेपर हवा में मिक्स हो जाते हैं एयर में एंड दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड वाटर इंटू गैसियस वाटर या फिर वॉटर वेपर इज कॉल्ड ई वेपोरेशन ठीक है डे वाटर लेवल गोज डाउन और बेटे एक मैं बात आपको बता दूं कि डेली जो पानी का लेवल है ना धरती का वो डाउन होता जा रहा है मतलब पीने का पानी या यूज करने का पानी जैसे मर्जी आप कह लो वो कम होता जा रहा है दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ई वेपोरेशन और ये क्यों हो रहा है क्योंकि ई वैपोरेशन का रेट बहुत ज्यादा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ई वेपोरे अब ई वैपोरेशन होती कैसे है फोर फैक्टर्स हैं बेटे जो कि इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को सबसे पहले बेटे टेम्परेचर क्योंकि हमारे गर्मी बहुत बढ़ गई है जिसके कारण जो वाटर बॉडीज में से पानी है वो इवेपोरेट होके जो है ऊपर चला जाता है बाबन के और उससे क्या है कि वाटर लेवल डाउन हो रहा है नेक्स्ट इज़ विंड स्पीड जो विंड है हवा चलती है उसका जो विंड की स्पीड है उससे भी जो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है Humidity, humidity के कारण भी जो है वाटर लेवल डाउन जा रहा है सरफेस एरिया सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा जिसके कारण की पानी जो है वो उसका लेवल डाउन जा रहा है अब बेटे देखिए मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बता रही हूँ कि ई क्या होता है जब हीटअप करते हैं हम वाटर को जब वाटर हीट के कारण भाप बन के उड़ता है तो उसको बोलते हैं ई वेपोरेशन जैसे कि ये पानी बॉयल हो रहा है ना तो इसको जो है पानी मैंने काफी यहां तक रखा था ठीक है अभी ये ई वेपोरेट होके थोड़ा इसका लेवल जो है वो डाउन हो गया इसी तरीके से जो हाई टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी और बहुत सारे वेरियस चार फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं उनके कारण जो वाटर का लेवल है वो डाउन होता जा रहा है ठीक है तो बेटे आज हम इतना ही पढ़ेंगे ई वेपोरेशन का बाकी इनके फैक्टर्स के बारे में डिटेल में हम कल पढ़ेंगे टिल दैट थैंक यू हैव अ नाइस डे